हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशिल भैया। तो आज के वीडियो में हम तुम्हारे सारे पोएम्स के सारे पोएट्रिक डिवाइसेस को देखेंगे। हम एक भी पोएट्रिक डिवाइसेस को नहीं छोड़ेंगे ताकि तुम्हारे एग्जाम में एक मार्क्स भी ना कटे। एंड डोंट वरी, मैं दूसरों की तरह तुम्हें बस पोएट्रिक डिवाइसेस बता के नहीं निकल जाऊंगा, मैं तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना भी सिखाऊंगा। तुम्हारे एग्जाम्स में जितने भी पोएट्रिक डिवाइसेस आते हैं ना, सबको 15 मिनट के अंदर पहचानना सिखा दूंगा। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, वीडियो को पूरा एंड तक देख। तो चलो पोएट्रिक डिवाइसेस को पहचानने से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला दो पोएट्रिक डिवाइसेस है सिमली और मेटाफोर। इन दोनों पोएट्रिक डिवाइसेस का नाम मैंने एक साथ इसलिए लिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं लाइक और एज जैसे टर्म्स लगाकर, तो वो सिमली हो जाता है। और जब हम एक चीज को दूसरे जैसा ट्रीट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करते हैं, तो वो मेटाफर हो जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सचिन प्लेड लाइक अ वॉरियर, मतलब हम सचिन को वॉरियर से कंपेयर कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे, खुद सोचो। सचिन प्लेड लाइक अ वॉरियर, मतलब हम सचिन को कंपेयर कर रहे हैं वॉरियर से। तो जैसे ही हमने कंपेयर करा तो वो सिमली हो जाएगा, ऊपर से यहाँ पे लाइक भी लगा हुआ है। लेकिन वहीं दूसरे लाइन में सचिन वॉज अ वॉरियर इन द गेम, मतलब सचिन ही वॉरियर था। इस केस में हम सचिन को वॉरियर से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सचिन को ही वॉरियर बोल रहे हैं। तो जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट करते हैं, तो वो मेटाफर हो जाता है। तुम्हें समझ में आ गया? जब हम एक चीज को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो वो हो गया सिमली, और जब हम एक चीज को दूसरे जैसा ही ट्रीट करेंगे तो वो तुम्हारा मेटाफर। आगे बढ़ने से पहले, तुम वही हो ना जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से मेरे 1 मिलियन नहीं हुए। कितने बुरे हो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एक बार माइलस्टोन अचीव हो जाए उसके बाद तो तुम लोग सब्सक्राइब कर ही दोगे। वैसे हाँ, अगर तुम लोग 12th के बाद भी मेरे कंटेंट को देखना चाहते हो तो तुम लोग भैया जी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे पढ़ाई रिलेटेड वीडियो नहीं आएगा, सेटअप टूर, जिम टूर और भी बहुत सारे सेक्सी सेक्सी वीडियोस प्लान है। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो अगर तुम लोग चाहते हो तो। वैसे हाँ, आज के वीडियो में पढ़ाए जाने वाले सारे पोएम्स के सारे पोएटिक डिवाइसेस का टेम्पलेट तुम्हें टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके एडुकेशन भैया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मैं अभी तुरंत वीडियो अपलोड करते ही टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर हमारा अगला पोएटिक डिवाइसेस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत ही सिंपल होता है। जब भी तुम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग ट्रेट दे दो तो वो तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। या फिर तुम कह सकते हो, तुम किसी भी चीज को ह्यूमन ट्रेट दे दो तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्या ट्रीज दौड़ सकते हैं? नहीं, हम ह्यूमंस दौड़ सकते हैं, ट्रीज तो नहीं दौड़ सकते। तो इसलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। टेंशन मतलब आगे मैं तुम्हें सारे पोएम्स के पोएट्रिक डिवाइसेस बताऊंगा, तुम्हें रट के मतलब एकदम याद हो जाएगा। फिर अगला पोएट्रिक डिवाइसेस है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजों को एक ही लाइन में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीडी गुड डूअर्स, मतलब वो इंसान लालची तो है लेकिन वो लोगों के लिए अच्छा काम कर। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? मतलब ग्रीडी और गुड डूअर्स दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अगला पोएट्रिक डिवाइसेस होता है हमारा आयरनी। आयरनी का मतलब बहुत इजी होता है, टॉन्ट मारना। इसमें हम सबकी मम्मी लोग बहुत तेज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मम्मी से आगे बोलूंगा, मम्मी आज मैं 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आया, तो मम्मी बोलेगी, हैं, राजा जी से उठ के खाना नहीं लिया जाता और वो 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आया है। तो बेसिकली जहां पे भी तुम्हें टॉन्ट मारते हुए दिखे ना, तो वो तुम्हारा आयरनी का एग्जांपल हो जाता है। अब हमारा अगला पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन। रिपीटेशन बहुत ही सिंपल होता है, जब भी एक लाइन के अंदर दो वर्ड रिपीट हो तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल, इजी, कुछ भी नहीं जानना इसमें। उसके बाद फिर आता है एलिट्रेशन। जब भी एक लाइन में दो लेटर रिपीट होगा तो वो एलिट्रेशन हो जाएगा। रिपीटेशन में क्या था, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा था एक लाइन में, और एलिट्रेशन में क्या हो रहा है, एक लेटर रिपीट हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल भी देख लो, रिपीटेशन का एग्जांपल है फार फार फ्रॉम, तो यहाँ पे फार फार पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। वहीं एलिट्रेशन में क्या है, वी विल काउंट, तो वी का डब्ल्यू और विल का डब्ल्यू दोनों रिपीट हो रहा है, एक लेटर रिपीट हो रहा है, तो ये तुम्हारा एलिट्रेशन हो जाएगा। एंड ये मोस्ट कॉमन पोएटिक डिवाइस है जो तुम्हें देखने को हर जगह मिल जाता है। इसके बाद अगला आता है हाइपरबोला। बहुत सिंपल है, ठीक है। जब भी कोई चीज को एग्जैजरेट करके बताया जाए ना, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, तो वो हाइपरबोला का एग्जांपल हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने तुझे 1000 बार बोला है मेरी नहीं लिया कर, नहीं लिया कर, लेकिन तू सुनता ही नहीं है, तो ये एग्जैजरेट करके बताना हो गया। कोई 1000 बार ले सकता है क्या किसी का? ऑफ कोर्स नॉट, उसने 10-15 बार ही ली होगी, लेकिन यहाँ पे उसने एग्जैजरेट करके बताया, ठीक है, तो ये तुम्हारा हाइपरबोला का एग्जांपल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख बार होता है, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक इंसान दूसरे इंसान को 10 लाख बार बोला होगा? नहीं, वो एग्जैजरेट करके बता रहा है। उसने 10-15 बार बोला होगा, वो इरिटेट हो गया होगा, तो इसलिए उसने ऐसा लाइन बोला, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें हाइपरबोला का मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पोएटिक डिवाइस देखते हैं, दैट इज इमेजिनरी। पोएटिक डिवाइसेस को पहचाना बहुत आसान होता है, उनके नाम से ही पता चल जाता है। इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, जहां पे भी पोएट इमेजिनेशन करवाना शुरू कर दे, मतलब ऐसी बातें कर दे जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो, मतलब जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज बस ड्रीम में पॉसिबल है,
तो वो तुम्हारे इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अ फ्लावरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि एक फ्लावरी बैंड हमें अर्थ से जोड़ सकती है? नहीं पॉसिबल है, ये बस इमेजिनेशन में पॉसिबल है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इमेजिनरी का एग्जाम्पल हो गया, और इसे कैसे पहचानते हैं, तुमने ये भी समझ गया। अब हमारा अगला आता है एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग एसोनेंस और एलिटेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एलिटेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि सेम लेटर रिपीट होगा, ठीक है। एलिटेशन तभी कहलाता है जब वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल वी विल काउंट में V का W रिपीट हो रहा था और will का W रिपीट हो रहा था, लेकिन वहीं अगर W स्टार्टिंग में ना होकर बीच में होता वर्ड की, तो वो एलिटेशन नहीं कहलाता। लेकिन वहीं एसोनेंस में क्या होता है, जो तुम्हारे वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U, अगर इनमें से कोई भी एक लेटर एक लाइन में कहीं पे भी रिपीट हो रहा हो, तो वो तुम्हारा एसोनेंस के अंदर आ जाएगा। मतलब कहीं पे भी एक लाइन में तुम्हारे वॉवेल्स के जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हो, तो वो एसोनेंस हो जाएगा। बहुत इजी सा तुम्हें समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो होम में भी ओ है, कोचिन में भी ओ है, टू में भी ओ है, और मॉर्निंग में भी ओ है। यहाँ पे ओ चार बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो ओ है ना वो वर्ड के स्टार्टिंग में ही हो, मतलब जो तुम्हारा वॉवेल है वो वर्ड के स्टार्टिंग में ही हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम्हारा जो वॉवेल है वो लाइन में कहीं पे भी रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो तुम्हारा एसोनेंस का एग्जांपल हो जाएगा। इन तीन चीज में डिफरेंस याद रखना, रिपीटेशन, एलिट्रेशन और तुम्हारा एसोनेंस, ठीक है। तो देखो जैसे एसोनेंस होता है ना, वैसे ही कॉन्सोनेंस भी होता है। जहां पर भी एक लाइन के अंदर तुम्हें मल्टीपल टाइम्स कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता वो सुनाई दे, तो वो तुम्हारा कॉन्सोनेंस का एग्जांपल हो जाएगा। खैर कंफ्यूज मत हो, ये तुम्हारे एग्जाम्स में यूजुअली नहीं आता। इसके बाद आता है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है ना, दो वर्ड्स रिपीट होता है लेकिन अलग अलग लाइन में। रिपीटेशन में क्या होता था, एक ही लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स रिपीट होते थे, लेकिन एनाफोरा में दो डिफरेंट लाइन में या फिर दो डिफरेंट फ्रेजेस में एक वर्ड रिपीट होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, और क्रूग नेक्ड और ब्यूटी रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे दो लाइंस लिखे गए, ये तुम्हारे रोड साइड स्टैंड के दो लाइंस है। तुम यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही लाइंस के स्टार्टिंग में और रिपीट है, तो इसलिए ये एनाफोरा का एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है हमारा एंजैम्पमेंट पोएटिक डिवाइस। ये बहुत इजी होता है। जब भी तुम देखोगे कि जो तुम्हारा पोएट है वो पोएम के दो लाइंस को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो तुम्हारा एंजैम्पमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। और ऑब्वियसली इसमें कंजक्शन का यूज होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया हुआ है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो तुम यहां पे देख सकते हो कि नाउ वी विल काउंट टू 12 ये एक अलग सेंटेंस है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल ये एक अलग सेंटेंस है। यहां पे एंड से दोनों को जोड़ा गया है, तो ये तुम्हारा एंजैम्पमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है हमारा सिंडोचे या सिंडोची, जो भी बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। तो बेसिकली जब भी एक वर्ड का एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल मीनिंग्स, मोर देन टू मीनिंग्स हो, तो वो तुम्हारा सिंडोची के अंदर आ जाता है। एंड अगेन इसका तुम्हारे एग्जाम्स में आने का बहुत ज्यादा कम चांस है, बट फिर भी याद करने के लिए याद कर सकते। इसके बाद अगला आता है हमारा ट्रांसफर्ड एपेटाइट। ये बहुत ईजी होता है। जब भी एक एडजेक्टिव एक वर्ड को कोई मीनिंग देगा, ठीक है, तो वो तुम्हारा ट्रांसफर्ड एपेटाइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्लीपलेस नाइट, नाइट कैसा था, वो स्लीपलेस था। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट को एक मीनिंग दिया गया है एडजेक्टिव के द्वारा, डेट इज स्लीपलेस। तो जो स्लीपलेस नाइट हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपेटाइट। तो तुम्हारे पूरे क्लास 12 के लेवल पे बस इतने ही पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, और अगर तुम्हें इतना पता है तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और एज आई सेड, अगर तुम्हें इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके सारे चैप्टर्स के पोएटिक डिवाइसेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हमारे फर्स्ट पोएम से स्टार्ट करते हैं, दैट इज माय मदर एट 66। इसमें तुम्हारा सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है, दैट इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल का उल्टा, ए ई आई ओ यू का उल्टा, ठीक है। ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी वर्ड्स है उनका साउंड अगर तुम्हें रिपीट होता हुआ दिख जाए ना, तो वो तुम्हारा कॉन्सोनेंस में आ जाएगा। एंड इसे फाइंड करना बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग एट फ्यू यार्ड, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बार बार एस एस साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये तुम्हारा कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग, ठीक है। पुट दैट थॉट, देखो कितना बार टी 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 साउंड रिपीट हो रहा है, उसके बाद लास्ट में भी आउट एट यंग, ठीक है, आउट एट, ठीक है। तो बार बार तुम्हें टी टी साउंड रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए ये भी कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर रिपीटेशन में तुम्हारा आ जाएगा, ऑल आई डिड वाज़ स्माइल स्माइल एंड स्माइल, एक ही लाइन के अंदर एक वर्ड मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये रिपीटेशन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर एलिट्रेशन, जब एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल टाइम लेटर्स रिपीट होते हैं, वर्ड नहीं लेटर्स, तो वो तुम्हारा एलिट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, तो यहाँ पे एस एस तीन बार रिपीट किया हुआ है। फिर आता है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस में क्या होता है, जो तुम्हारे वॉवेल वर्ड्स होते हैं, डेट इज ए ई आई ओ यू, उनमें से कोई भी एक वर्ड लेटर सॉरी वो बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इसमें बार बार ओ रिपीट हुआ है।
फिर एक और एग्जांपल है, डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो इसमें तुम देखोगे कि बार बार ओ और ई लेटर रिपीट हुआ है एंड दोनों ही वॉवेल लेटर्स है, तो ये भी तुम्हारा लाइन एसोनेंस के अंदर आ जाएगा। फिर इमेजिनरी, जहां पे भी पोएट इमेजिनेशन का बात करे तो वो तुम्हारा इमेजिनरी हो जाएगा। जैसे वो ट्रीज को दौड़ते हुए इमेजिन कर रहे थे, तो वो रियल लाइफ में पॉसिबल है नहीं, वो बस इमेजिनेशन में पॉसिबल है, तो इसलिए वो तुम्हारे इमेजिनरी के अंदर आ जाएगा। लेकिन वहीं पर वो जो ट्रीज को दौड़ते हुए इमेजिन कर रहे थे ना, वो पर्सोनिफिकेशन के अंदर भी आ जाएगा। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब तुम किसी भी चीज को ह्यूमन ट्रेट दे दो। तो तुमने ट्रीज को ह्यूमन ट्रेट दिया यहाँ पे कि वो दौड़ रहे हैं, क्या ट्रीज दौड़ सकते हैं? नहीं दौड़ सकते हैं। तो तुमने यहाँ पे उन्हें ह्यूमन ट्रेट दिया, तो इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन का भी एग्जांपल हो जाएगा। तो हाँ, देख लो, कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हें एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं। फिर इसी में जो हमारा अगला पोएटिक डिवाइस हमें यूज करता हुआ दिख रहा है वो है स्मिली। स्मिली में क्या होता था, जब एक चीज को हम दूसरी चीज से कंपेयर करते थे, एंड मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हें लाइन के अंदर लाइक या फिर एज जैसे टर्म्स दिख जाएंगे, तो उसे तुम स्मिली बोल दोगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, हर फेस एसन लाइक ऑफ अ कॉप्स, मतलब उसकी मम्मी का जो फेस था ना, वो बिल्कुल एक डेड बॉडी जैसा हो गया था, लाइक अ कॉप्स। तो यहाँ पे लाइक तो ऐसे ही दिख गया था, तुम ऐसे ही इसे स्मिली बोल सकते हो। अब हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं, क्योंकि तुम्हें सारे पोएटिक डिवाइसेस तो समझ में आ ही गए। अब हम लोग देखते हैं कीपिंग क्वाइट चैप्टर के तुम्हारे पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहला आता है एलिट्रेशन। यहाँ पे एलिट्रेशन के बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, वी विल काउंट, इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू जो तुम्हारा लेटर है वो रिपीट हो रहा है। सडन स्ट्रेंजनेस, इसमें तुम्हारा एस एस लेटर रिपीट हो रहा है। स्टॉप फॉर वन सेकंड, इसमें तुम्हारा एस एस फिर से रिपीट हो रहा है। हिज हर्ट हैंड्स, इसमें एच एच रिपीट हो रहा है। फिर रिपीटेशन का एग्जांपल है विदाउट रस विदाउट इंजन, इसमें पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हुआ है। फिर कीपिंग क्वाइट के अंदर ही तुम्हारे रिपीटेशन का भी एग्जांपल है, दैट इज विदाउट रस एंड विदाउट इंजन, इसमें पूरा विदाउट विदाउट जो वर्ड है वो एक लाइन के अंदर रिपीट हुआ है, तो ये तुम्हारा रिपीटेशन हो जाए। फिर सिंबोलिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। तो सिंबोलिज्म का मतलब होता है कोई एक चीज जब दूसरी चीज को सिंबोलिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल, इस पोएम में ब्रदर्स क्या सिंबोलिफाई कर रहा है, पूरे के पूरे मैनकाइंड को। वो कोई पर्टिकुलर इंसान या किसी का भाई को सिंबोलिफाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्रदर्स बोला गया है पूरे मैनकाइंड को एक साथ लाने के लिए। फिर आगे चल के ग्रीन वार्स, ये क्या सिंबोलिफाई कर रहा है, ये डिफॉरेस्टेशन को सिंबोलिफाई कर रहा है। ऑफ कोर्स ग्रीन वार्स क्या होता है, थोड़ी पेड़ आके आपस में लड़ते हैं, नहीं ना, हम ही डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम ही ग्रीन वार्स कर रहे हैं। तो बेसिकली इस पोएम में ग्रीन वार्स सबका ही इसलिए यूज किया गया है ताकि वो सिंबोलिफाई कर सके डिफॉरेस्टेशन। तो तुम्हें समझ में आ गया, जब भी एक वर्ड पोएम के अंदर किसी भी चीज को सिंबोलिफाई करने के लिए यूज किया जाएगा तो वो तुम्हारा सिंबोलिज्म के अंदर आ जाएगा। फिर अगला आता है एंथीटीज। देखो, एंथीटीज और ऑक्सीमोरन ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तुम दोनों में से कोई एक भी लिख के आओगे तो कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्या होता था, दो अपोजिट चीजों को या फिर दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को एक ही लाइन में हम यूज करते थे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। क्या एक ही टाइम पे लोग काउंट भी कर सकते हैं और चुप भी रह सकते हैं? नहीं ना, काउंट करेंगे तो आवाज निकलेगा ही। तो बेसिकली यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को एक साथ रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये तुम्हारा एंथीटीज का एग्जांपल हो गया या फिर ऑक्सीमोरन का एग्जांपल हो गया, तुम्हें जो मन तुम मान सकते हो। फिर यहाँ पे तुम्हारे एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा, अर्थ कैन टीच अस एवरीथिंग। क्या अर्थ हमें सिखा सकती है? लॉजिकली सोचो, क्या अर्थ हमें सचमुच सिखा सकती है? नहीं, अर्थ को हम ह्यूमन ट्रेट दे रहे हैं, हम अर्थ को एज अ टीचर ट्रीट कर रहे हैं कि वो हमें कुछ सिखाएगा। हमारा जो अर्थ है वो एक्चुअल में आके हमें कुछ बोल तो नहीं सकता है, हमें कुछ सिखा तो नहीं सकता है, हम उसे ह्यूमन ट्रेट दे रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि वो हमें सिखाएगा, तो इसलिए ये तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा। इसी पोएम में तुम्हारा एक मेटाफर का एग्जांपल हो जाएगा। मेटाफर में क्या होता था, जब हम एक चीज को दूसरे चीज के इक्वल बोलते थे, मतलब समान बोलते थे। यहाँ पे हम शेड को प्रोटेक्शन से रिफर कर रहे हैं, मतलब कि वो शेड प्रोवाइड करती है, मतलब कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हम शेड को प्रोटेक्शन से रिफर कर रहे हैं या फिर शेड इज इक्वल टू प्रोटेक्शन बोल रहे हैं, तो इसलिए ये तुम्हारा मेटाफर का एग्जांपल हो जाएगा। फिर एग्जांपमेंट बहुत इजी है, दो पोएम के लाइंस को जोड़ा गया है, तुम पढ़ सकते हो, तो ये तुम्हारा एग्जांपमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं हमारे थिंग ऑफ ब्यूटी वाले चैप्टर को। तुम लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जो कॉमन कॉमन पोएटिक डिवाइसेस है ना उसे मैं बार बार नहीं बताऊं, तुम्हें रिपीटेशन एलिट्रेशन वगैरह तो ऐसे ही याद हो गया होगा, तो बार बार बोल के कोई फायदा नहीं है। हमारा अगला चैप्टर है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो इसमें एक नया तुम्हें देखने को मिलेगा, एनाफोरा। एनाफोरा मैंने क्या बताया था, जब दो डिफरेंट लाइंस के स्टार्टिंग में वर्ड रिपीट हो तो वो तुम्हारा एनाफोरा हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ नेवल नेचर ऑफ ऑल द अनहेल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ ऑफ अलग अलग लाइंस में रिपीट हो रहा है, तो ये तुम्हारा एनाफोरा का एग्जांपल हो जाएगा। फिर तुम्हारा एक पोएट्री डिवाइस इन्वर्जन है, ठीक है, छोड़ दो, ये कभी भी एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो यहाँ पढ़ के फायदा नहीं है। फिर तुम्हारा अगला आता है एंथीटीज। तो देखो, एंथीटीज और ऑक्सीमोरन ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों में ही अपोजिट चीजों को या फिर कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को एक ही लाइन में लिखा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ट्रीज ओल्ड एंड यंग, मतलब ट्रीज ओल्ड भी है यंग भी है, एक ही टाइम पे एक ट्रीज ओल्ड या यंग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, तो ओल्ड एंड यंग जो है ना, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं, दोनों अपोजिट चीजें हैं, एंड दोनों को एक ही लाइन में यूज किया गया है, तो इसलिए ये तुम्हारा एंथीटीज का एग्जांपल हो जाएगा, या फिर तुम ऑक्सीमोरन भी बोल सकते हो। फिर तुम्हारा एलिट्रेशन का बहुत सारा एग्जांपल है, एक ही लाइन में बहुत सारे लेटर्स रिपीट है, ठीक है। फिर वही तुम्हारा मेटाफर इमेजिनरी इमेजिन करवाएगा, ठीक है, एग्जांपमेंट दो पोएम के लाइंस को जोड़ेगा, तो ऐसे तुम्हारा थिंग ऑफ ब्यूटी खत्म होता है, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। फिर हम आंट जेनिफर टाइगर्स में आते हैं, वही मेटाफर, मतलब एक चीज को दूसरे के इक्वल बताना मेटाफर हो जाएगा। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होगा वो तुम्हारा कॉन्सोनेंस हो जाएगा। एनाफोरा, दो लाइंस में सेम वर्ड रिपीट हो गए स्टार्टिंग में, वो तुम्हारा एनाफोरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे दे रिपीट है, ठीक है, तुम लोग देख ही पा रहे होगे। सोनिफिकेशन, किसी भी चीज को ह्यूमन ट्रेट देना, ठीक है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या
या किसी भी चीज को ह्यूमन ट्रेट दे दिए तो वो तुम्हारा पर्सोनिफिकेशन हो जाए। फिर हाइपरबोला ये नया चीज है, मैंने तुम्हें बताया था एग्जैचुरेट करके बताना, तो यहाँ पे ना रिंग को एग्जैचुरेट करके बताया गया है। इस पोएम में बताया गया कि रिंग का वेट बहुत ज्यादा हेवी है। कितना हेवी हो जाएगा? 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, कितना ही हेवी हो जाएगा? एक हाथ से तुम आराम से 10 kg उठा सकते हो। तो यहाँ पे रिंग का वेट को मैसिव वेट क्यों बोला गया? ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैचुरेट करके बताना हो गया, तो ये तुम्हारा हाइपरबोला का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर वही तुम्हारा एलिट्रेशन हो गया, इमेजिनरी हो गया, पोएट इमेजिन करवाएगी। ट्रांसफर्ड एपेटाइट, फिर ये नया वर्ड आ गया। यहाँ पे जो टेरिफाइड हैंड्स है ना, वो बता रहे कि हैंड्स कैसे हैं, टेरिफाइड है। ठीक है, एक वर्ड को एक एडजेक्टिव के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, तो इसलिए ये तुम्हारा ट्रांसफर्ड एपेटाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे तुम्हारे एसोनेंस के भी बहुत सारे एग्जांपल्स के फिर स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आता है पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन ट्रेट दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे रिपीटेशन के एग्जांपल दिए गए हैं, तो एक ही लाइन में बहुत बार कंट्री रिपीट हुआ है, पेन रिपीट हुआ है, कार रिपीट हुआ है, स्लीप रिपीट हुआ है, रॉन्ग रिपीट हुआ है, मनी रिपीट हुआ है, सिटी रिपीट हुआ है। तुम पोएम्स को पढ़ोगे तुम्हें ये सब देखने को मिल जाएंगे। एलिट्रेशन भी बहुत सारे हैं, एक ही लाइन में मल्टीपल टाइम्स एक लेटर रिपीट हुआ है। ठीक है, फिर ट्रांसफर्ड एपेटाइट, जैसे कि पॉलिश ट्रैफिक, ट्रैफिक कैसा है, पॉलिश्ड है, एक एडजेक्टिव का यूज करके ट्रैफिक को मीनिंग दिया गया, तो ये तुम्हारा रोड साइड स्टैंड का एक हो गया। एंड इसमें एक और पेज था, हाँ, ऑक्सीमोरन, ये सेम एग्जांपल मैंने तुम्हें उसी टाइम जब बताया था ऑक्सीमोरन, तो मैंने करवाया था। ग्रीडी गुड डूअर्स, मतलब ग्रीडी भी है लेकिन वो अच्छा भी करना चाहते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजें एक ही लाइन में यूज किया गया, तो इसलिए ये तुम्हारा ऑक्सीमोरन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर तुम्हारा एसोनेंस, एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल टाइम्स तुम्हारे वोवेल रिपीट है, जैसे कि यहां पे ओ रिपीट है, मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, तुम लोग भी ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फिर एनाफोरा का वही एग्जांपल है जो उस टाइम मैंने करवाया था। तो इस तरह से तुम्हारे सारे पोएम्स के पोएट्री डिवाइस खत्म होते हैं। अगर कोई बच जाता है तो मैं आगे लगा दूंगा। एंड अगर किसी को एक्जैक्टली पता कि ऑक्सीमोरन और एंथीसिस में क्या डिफरेंस होता है तो कमेंट करके बताओ, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। होप सो आपसे तुम लोग कभी भी गलती नहीं करोगे पोएट्री डिवाइसेस पहचानने में, और एग्जाम में जो तुम्हारे एक दो नंबर का पोएट्री डिवाइसेस वाला क्वेश्चन आता है उसे छोड़कर नहीं आओगे। इस बार अच्छे मार्क्स लाने के बाद वापस आके कमेंट करोगे। ठीक है, अर्जुन से मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।